दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जगदम्बा आईटी कंप्यूटर में। चलिए आज हम लेकर आए हैं कि अगर आप विनवर्ड में काम कर रहे हो और आपको टेक्स्ट रोटेशन की दिक्कत आ रही हो, टेक्स्ट को जो है ना घुमाने में दिक्कत आ रही हो, तो चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं कि विनवर्ड में टेक्स्ट को कैसे रोटेट किया जाता है। तो सिंपली सबसे पहले आप लोगों को क्या चालू करना होगा, तो सबसे पहले आपको विनवर्ड चालू करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विनवर्ड को यहाँ से ओपन करते हैं। चलिए जैसे हमारा विनवर्ड यहाँ से ओपन हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जो ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो है ना क्या करना है, जो हमारा ऑप्शन है यानी कि टेक्स्ट का जो रोटेशन करने का ऑप्शन है, वो ऑप्शन हमारा इंसर्ट मेनू में है, ठीक है। चलिए जैसे इंसर्ट मेनू आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को एक दिखाई देता होगा वर्ड आर्ट। क्या दिखाई दे रहा है? वर्ड आर्ट। तो जैसे आप वर्ड आर्ट पे जाते हैं तो देखिए आपको एक सिंपल टेक्स्ट दिखाई देगा, यानी कि कलरफुल टेक्स्ट तो है लेकिन वह सिंपल में काम करेगा। जैसे देखिए एकदम मतलब यह टेक्स्ट को रोटेशन नहीं करेगा। आप जो भी लिखते हैं, मान लीजिए आप लिखते हैं जगदम्बा, यानी कि कोचिंग का ही नाम लिखते हैं जगदम्बा, ठीक है। तो जैसे अगर जगदम्बा लिख रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, जगदम्बा को सिंपल यानी कि साधारण तरीका से ही लिख रहा है, यानी कि सीधा ही लिख रहा है। लेकिन आपको तो करना है कैसा, रोटेशन में डालना है। कौन से डिजाइन में डालना है? तो रोटेट डिजाइन में डालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रोटेट आखिर कैसे होता है। तो देखिए सिंपली हमको फिर वहीं पर जाना है, कहाँ पे, तो वर्ड आर्ट पे। जैसे देखिए अभी वर्ड आर्ट पे अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल फॉर्मेट यानी सिंपल दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल मेनू में जा करके और एक ऑप्शन को सिर्फ चेंज कर देना, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को जो है ना सेव करना होगा। क्या करना पड़ेगा, पहले इस फाइल को सेव करना होगा। जिसे सेव पे आते हैं तो वह पूछता है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव में। तो अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। चलिए जैसे हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो देखिए फिर यह पूछता है कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं और कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल आप कहाँ पे सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। चलिए इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो सपोर्टेड जो है ना हम नाम लिख देते हैं जिस नाम से सेव करना हो। चलिए फिर यहाँ पे बस हमको चेंज ये करना है, ये जो दिखाई दे रहा है सेव एज टाइप, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सेव एज टाइप। तो इसी को क्या करना है हमको वर्ड डॉक्यूमेंट से जा करके और इसको सिर्फ यही चेंज करना है, 97-2003 टेम्पलेट। क्या चेंज करना है, 97-2003 टेम्पलेट मोड में इसको सिर्फ चेंज कर देना, बस इतना ही करना है, उसके आगे कुछ नहीं करना है। और क्या करना है, यहाँ जाकर हमको सिर्फ सेव कर देना, ठीक है। जैसे सेव पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो क्या होगा, हमारा यह सेव हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है ना किस नाम से सेव हो गया, यह जगदम्बा के नाम से यह सेव हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आप फिर वहीं पे जाना है जिस जगह पे आप गए थे, यानी कहाँ पे, तो वर्ड आर्ट में। जैसे आप वर्ड आर्ट में जाते हैं तो देखिए अब आपको जो है यहाँ पे डिजाइनिंग वर्ड दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर देखिए जिस मूड में, जोन से स्टाइल में आपको जो अच्छा लग रहा है उस मतलब मूड में यानी उस रोटेशन में आप टेक्स्ट को ले सकते हैं। चलिए जैसे आप टेक्स्ट को ले लिए तो यहाँ पे लिख रहा है कि योर टेक्स्ट, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। चलिए आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए, जगदम्बा आईटी कंप्यूटर, ठीक है। चलिए इसको फिर क्या करते हैं हम लोग, ओके करते हैं। जैसे ओके करते हैं तो अब देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यह जो हम लिखे वह आ गया। अब यह क्या कर रहा है कि आप इसको जो है ना देखिए, और दूसरी बात क्या करेगा, यह मूव तब करेगा, यानी कि देखिए आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं तो यह नहीं मूव होगा। देखिए कहीं भी मूव नहीं हो रहा है, तो यह मूव कब होगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या खुलेगा, फॉर्मेट मेनू खुलेगा। जैसे फॉर्मेट मेनू खुलता है आपको एक चीज चेंज करना, यहाँ पे क्या, रैप टेक्स्ट पे जा करके और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है, बस, ठीक है। जैसे अब इसको आप कहीं भी मूव करा सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी आप इसको मूव करा सकते हैं। जैसे आप इसको मूव करा दिए, अब देखिए जैसे इसको आप ड्रैग कीजिएगा तो वह जो है ना उसी तरह क्या हो जाएगा, यह रोटेट करता चला जाएगा, देख रहे हैं ना। या क्या होगा, यह अम्ब्रेला डिजाइन में रोटेट किया, ठीक है। यानी कि आप जिस डिजाइन में, जिस स्टाइल में आप इसको रोटेट करना चाहते हैं उस स्टाइल में आप इसको पे, कि वह आप जिस स्टाइल में मतलब जिस तरह से इसको रोटेट कीजिएगा उस तरह क्या होता जाएगा, यह रोटेट यानी कि मूव करते चला जाएगा, ठीक है।
चलिए फिर इसमें दूसरा स्टाइल है, आप बहुत सारा स्टाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी कि आप मतलब अगर टेक्स्ट को इस डिजाइन में रखना हो तो टेक्स्ट को आप इस डिजाइन में रख सकते हैं। इसको पतला मोटा जो है ना आप आसानी से यहाँ से जा करके पतला मोटा उसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको जैसा मन करे वैसा जो है आप इसको कर सकते हैं। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर डिजाइनिंग का जो है ना बहुत सारा तरीका है, आप जिस डिजाइन में रखना चाहते हैं, जिस डिजाइन में यानी जिस मूड में टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं उस मूड में टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। और आप इसी मूड में जा करके आप जो है ना लोगो भी बना सकते हैं, लोगो भी तैयार कर सकते हैं, आप अपने कोचिंग का लोगो भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग जो है ना फिर इसमें लोगो बनाने के लिए फिर बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।